हेलो एवरीबॉडी। वेस्ट बंगाल बोर्ड का हायर सेकेंडरी का रिजल्ट जुलाई महीने में आउट होने वाला है, और आप लोग जानता है कि जो बाकी एग्जाम था जो नहीं हुआ था वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, जो एग्जाम कैंसिल हो गया है तो उसमें आपको कैसे नंबर मिलेगा, जो ग्रेडिंग सिस्टम का द्वारा, तो उसका जो प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी साइंस स्ट्रीम का बात करूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानता है कि हर सब्जेक्ट में दोस्तों आपको दो मार्क्स दिया जाता है, एक रिटन मार्क्स दिया जाता है, एक आपका प्रोजेक्ट मार्क्स दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बंगाली में आपका रिटन मार्क्स 80 है, प्रोजेक्ट मार्क्स जो 20 है, जो दोस्तों आपको स्कूल से दिया जाता है। ऐसे इंग्लिश में आपका 80 रिटन मार्क्स और 20 प्रोजेक्ट मार्क्स। ऐसे दोस्तों बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में 70 80 70 70 करके इंडिविजुअली अलग से रिटन मार्क्स रहता है, और प्रोजेक्ट मार्क्स भी अलग से रहता है। तो दोस्तों, अभी जो बात है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि बंगाली में सपोज आपको आउट ऑफ 80 71 दोस्तों नंबर आपको मिला है, तो दोस्तों आपको बंगाली में आउट ऑफ 80 आपको 71 मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको इसको परसेंटेज करना है तो कैसे करेंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यानी 71 आउट ऑफ 80 कितना परसेंटेज होता है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, 71 डिवाइड बाई 80 इंटू 100। दोस्तों आपको 88.75 यानी दोस्तों 89% नंबर मिला है सपोज। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे आपको इंग्लिश में भी आउट ऑफ 80 सपोज 73 मिला है आउट ऑफ 80, तो आउट ऑफ 80 73 कितना परसेंटेज होगा दोस्तों, आप कैलकुलेशन कीजिए, ये 91% होगा। ठीक है दोस्तों, और सेम बायोलॉजी में भी आपको आउट ऑफ 70 57 मार्क्स आपको मिला है दोस्तों। ठीक है, आउट ऑफ 70, तो ये कितना परसेंटेज होगा दोस्तों, ये होगा आपका 81%। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स में भी आपको सपोज 75 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 80, तो कितना परसेंटेज होगा दोस्तों, ये होगा 93%। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपका बंगाली, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सपोज ये चार एग्जाम आपका हो गया है और आपको इतना मार्क्स मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इन चारों से दोस्तों सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, यानी जो दोस्तों जैसे कि देखिए आप, 89%, 91%, 81%, 93%, तो सबसे ज्यादा जो है 93% दोस्तों, ये जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होगा, ये आपका जो बाकी एग्जाम है जो अभी तक नहीं हुआ है तो उसमें आपको ये नंबर, ये परसेंटेज आपको दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों फिजिक्स में आपको 93% मिलेगा। ठीक है, सेम दोस्तों आपको केमिस्ट्री में भी 93% मिलेगा। तो दोस्तों आप देखिए दोस्तों, फिजिक्स का जो रिटेन मार्क्स है वो है 70, तो 70 का जो 93% है वो कितना होता है दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, 93% ऑफ 70 65। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें 65 मार्क्स मिलेगा दोस्तों, इसमें भी आपको 65 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। दोस्तों इसमें आपको 65 मार्क्स मिलेगा, इसमें आपको 65 मार्क्स मिलेगा। दोस्तों जो क्लियर बात है, जो एग्जाम आपने ऑलरेडी दे चुका है तो उसमें से जो हाईएस्ट जो परसेंटेज होगा मार्क्स का, वो परसेंटेज आपका जो बाकी एग्जाम है उसमें दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपका इसमें 65, इसमें 65 मिल जाएगा। तो अभी दोस्त बात करूंगा प्रोजेक्ट मार्क्स के बारे में। तो दोस्तों सपोज आपको प्रोजेक्ट मार्क्स में, जैसे कि बंगाली में सपोज आपको आउट ऑफ 20 आपको 18 मिला है, इंग्लिश में आपको 20 मिला है, आउट ऑफ 20 20 मिला है, फिजिक्स में 30 मिला है, और केमिस्ट्री में आपको 26 मिला है दोस्तों। तो दोस्तों जो बंगाली में आपका टोटल मार्क्स होगा वो होगा 71 प्लस 18। ठीक है दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, 89। और ऐसे आपको इंग्लिश में 73 प्लस 20 यानी 93। तो दोस्तों आपको ऐसे मैथमेटिक्स में 75 प्लस 20 यानी 95 मिलेगा, और फिजिक्स में आपको दोस्तों 65 प्लस 30 यानी 95 मिलेगा, और इसमें आपको दोस्तों 65 प्लस 26 दोस्तों यानी 91 नंबर आपको दोस्तों मिलेगा।
अभी जो बात है दोस्तों, तो इन छह में से आपका जो एक कंपलसरी है ये दोनों, और अभी ये चारों में से आपका जो बेस्ट ऑफ थ्री होगा यानी 95, 95, 91, ये तीन आपका बेस्ट ऑफ थ्री में आ जाएगा और इधर दो कंपलसरी। टोटल कितना दोस्तों मार्क्स होगा आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए दोस्तों। एक होगा आपका 89 प्लस 93 प्लस आपका 95 प्लस 95 प्लस 91 दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये आपका बेस्ट ऑफ फाइव में आ जाएगा, यानी दोस्तों आपको टोटल जो मार्क्स है 463, ये जो मार्क्स है आपको एचएस में मिलेगा। तो अगर आपको परसेंटेज करना है तो डिवाइड बाय 500 इनटू सॉरी इनटू 100, यानी दोस्तों आपको 92.6 परसेंटेज दोस्तों नंबर आपको मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।